अस्सलाम वालेकुम लोग, 50 में खुश आमदीद कहते हैं। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम हम यहाँ पे अभी आए। अच्छा, तो मैं इसलिए आया कि मैंने थोड़ा काफ़ी टाइम अभी मैंने स्विच किया था, काफ़ी बिजी था, काफ़ी मसले मसाए में था, काफ़ी टेंशन में भी था, तो वो मैं शेयर नहीं कर सका किसी वजूहत के बिना पे। मैं नहीं मानता। तो आज हमने कुछ नया परचेज किया है, चाहे पुराना ही सही, तो वो मैं आपको अनलॉक करके दिखाता हूँ। शायद ये अंदाज़ा लगा लिया वो अपने इस बैग को देख के। तो आए हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और थोड़ा बजा के जो थोड़ा वो बताते लिटिल बिट थोड़ा सा, यानी इंग्लिश थोड़ी मुंह से निकल गई, इंग्लिश आती ही नहीं है। तो हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्स तो बॉक्स में नहीं, अनबैगिंग करते हैं, सही है। तो आओ, ये रहा गिटार, ये रहा मैं, गिटार मैं, तीन दफ़ा आ गया। अब हम इसको अनलॉक यानी अनबैगिंग करते हैं, ठीक है, आओ। अभी बजा आएगा ना भिड़ो। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों के, सब ठीक ठाक? तो अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने अपने फेस पे देखा बहुत ज़्यादा काला आ रहा, तो मैं गया मुंह हाथ धो के, थोड़ा अच्छा सा बन गया, मुझे पता है मेरी शेप नहीं बनी हुई, बट क्या करें, वीडियो तो बनानी है। काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हम यहाँ पे हाजिर हुए, तो आप लोगों ने मेरा पहले बैग देख लिया होगा, अभी भी देख लिया होगा। तो हमने परचेज़ किया एक गिटार। अब गिटार के अंदर क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं, स्ट्रिप होती है, अल्लाह वालम क्या होते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी मैंने लोगों को सर्च किया था, उन लोगों ने काफ़ी गिटार लिए हुए हैं जिनको बजाना भी नहीं आता और जिनको चलाना भी नहीं आता, गाना भी नहीं आता, वो ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया अनाड़ी बन के। तो अब इसको अपन खोलते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या निकलता है और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं, वो देखते हैं, फिर हम थोड़ा थोड़ा सा बजा के देखते हैं, सही है। आ जाओ। तो बैग में सबसे पहले हम देखेंगे, बैग में हमें पीछे टांगने की बैग की तरह, जो स्कूल की बैग की तरह हमें टांगने के लिए दिया, जो हम टांग भी सकें, ठीक है। और बैग में इतना कुछ खास नहीं है, बैग बहुत ढीला ढाला है बहुत ज़्यादा। हाँ, पकड़ने के एक स्ट्रिप भी दिया हुआ है, एक चेन है, एक अदद चेन है जिसको हम खोलेंगे। ये पहले छोटी वाली जेब खोलते हैं, छोटी वाली जेब हमने खोली, इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, तीन चीज़ें, चार चीज़ें होंगी। अच्छा, ये मेरे ख्याल से गिटार बजाने की ये क्या होती है, जो हिस्ट्री पे समझ गए होंगे आप लोग, ये ठीक है, ये आ गई। अच्छा, इसकी एक तार भी है कि एक तार अगर टूट जाए, कुछ भी हो जाए तो तार भी दी हुई, यानी कुछ काफ़ी कुछ दिया हुआ नहीं है, इसमें दो चीज़ें दी हुई हैं, तो इसको फ़िलहाल हम बाहर ही रख लेते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। अंदर झांक के भी देख लिया हमने, तो आप लोग बोल रहे हो गए तो पागल हो गया, काफ़ी टाइम बाद आया। तो यार हमारा काम ही है आप लोगों को हंसाना, आप लोगों को थोड़ा एंटरटेन करना। वाह, अच्छा है। टन 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 टन, मगर इसमें क्या हो गया, एक तार टूटी हुई है, कोई हमारा तो मुंह बन जाएगा, मगर नहीं, फिर भी अच्छा है, ये बैग रख देते हैं हम साइड पे। आप देख रहे हो कि मेरा बेडरूम है, ये हमारा स्टूडियो नहीं है, तो हमने प्लाटिंग मार के बैठ गए। तो अब इसको हम थोड़ा बजा के देखें, क्या कहते हो, थोड़ा सा बजा के देख लेते हैं कहता क्या है ये, सही है। तो हम इसको बजा के देखते हैं कि क्या कहता है ये, हमें कोड वोड तो नहीं मालूम, मगर हमने थोड़ा बहुत यूट्यूब में देखा था इसके बारे में, तो इसके कोड वोड तो थोड़ा मुश्किल है, फिर भी हम थोड़ा सा बजा के देखते हैं, एक गाना थोड़ा गा के देखते हैं। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, आप लोगों को थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा, और जब तक मैं बजा रहा हूँ तो आप लोग मेरे चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट्स कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी आवाज़ कैसी लगी और मेरा गिटार करना, परचेस करना कैसा लगा, ठीक है। तो कमेंट्स और सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, आप लोगों का प्यार होगा तो इंशाल्लाह स्टूडियो में भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अभी फ़िलहाल हमारा घर है और मेरा कमरा ही मेरा स्टूडियो है, मेरा कमरा ही मेरा सब कुछ है, तो आप लोग सब्सक्राइब करें, थैंक यू। आओ गाना सुनते हैं।
कोर मैंने सीखी थी यूट्यूब पे, तो वो मैं थोड़ा बजा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। प्यार हुआ इकरार हुआ ये प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ ये प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ ये प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। अच्छा, ये तो हमने हाथ से बजाया। अब जो इसके साथ कोड आई है, क्या कहते हैं इसको, वो हम थोड़ा ले लेते हैं। इसमें मगर लिखा हुआ है 0.7 mm 0.8 mm, यानी शायद थोड़ा सा जो मोटापे का लिखा हुआ वो हो। और कलर्स भी दिए हुए, तो कलर्स हम ये ऑरेंज ले लेते हैं या वाइट। ऑरेंज इज ठीक है, तो अब इससे बजा के देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो गाना सुनना हो, जो मिसालें मेरी आवाज़ भले बुरी है, थोड़ा बहुत भी अच्छी हो या बुरी हो तो थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा, और थोड़ा ये हमारी वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा। सही है, आओ एक और गाना देखते हैं। ठीक है, दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो। कितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। तो आज हमने ये गिटार प्ले किया, थोड़ा बहुत हम सीख भी लेंगे। तो आप ये गिटार देखें, तो हम क्या करें इस वीडियो में, और थोड़ा गिटार और बजा के दिखा देते हैं, या हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए कि आप लोगों के पास रोज़ाना आए और थोड़ा इंटरटेन करें आप लोगों को। मुझे पता है थोड़ी सी बोरिंग और लॉन्ग वीडियो हो गई होगी, बट थोड़े लॉन्ग टाइम के बाद वापसी आएँ तो आप लोग लाजमी देखिएगा। थोड़ी बोरिंग और आपकी मोहब्बत लाजमी चाहिए, आपका प्यार लाजमी चाहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये हमने सीधी स्ट्रिप चलाई, उल्टी स्ट्रिप चलाने में अलग आता है, यानी उल्टी स्ट्रिप चलाते तो थोड़ा मोटा साउंड आ रहा है, तो हमें थोड़ा पतला ही अच्छा लग रहा है। अगर ये साइड पे बजाएं तो यूँ होता है। अच्छा, दोनों जगह पे अलग अलग साउंड आ रहा है। ये अच्छा, आप लोग ये बजाते हुए देख रहे हैं तो आप लोग भी कोशिश करिए कि आप लोग भी परचेस कर लें, ताकि हम दोनों साथ ही बजाएं, आप हमें देखते हुए बजाएं, हम आपको देखते हुए बजाएं। गिटार बजा दें, सॉन्ग आपके लिए कर दें, आओ वापसी। इसी मोहब्बत के साथ गिटार का पहला दिन अल्लाह हाफिज़ करते हैं।
ताकि नेक्स्ट डे हम थोड़ा और सोच के थोड़ा और अच्छे गाने पूरे पूरे याद करके आपके सामने आए। तो इसी मोहब्बत के साथ व्लॉगर 420 जाफर मेमन को अल्लाह इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।